क्षेत्र में चोरी के कोयले से ईंट के भट्टे चलाए जा रहे हैं। रोजाना दर्जनों साइकिलों पर लदे चोरी के कोयले ईंट भट्टों पर खाली होते रहते हैं। बताते चले कि मोरवा में वार्ड क्रमांक 5 की भाजपा पार्षद रीता गुप्ता के प्रति राजेश गुप्ता द्वारा क्षेत्र में अवैध रूप से बंगला ईंट भट्टा चलाया जाता है। इस अवैध बंगला ईंट भट्टे के लिए कागजी तौर पर किसी भी तरह का आदेश नहीं लिया जाता, सिर्फ डंडेधारियों की सरपरस्ती से यह अवैध बंगला ईंट भट्टा फलफूल रहा है। यहाँ बाल मजदूर सहित कम मजदूरी पर मजदूरों से काम लिया जाता है। सूत्र बताते हैं सैकड़ों टन अवैध कोयला रोजाना इन ईंट भट्टा में साइकिल के माध्यम से खपाया जाता है। तैयार अवैध बंगला ईंट ऊंचे दामों में बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में बेचा जाता है, जिसके कारण सरकार को प्रतिमाह लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। भट्टों के माध्यम से बेचे जा रहे हैं मंडी में चोरी के कोयले। क्षेत्र में भट्टों को चलाने के लिए खरीदे जा रहे चोरी के कोयले को पहले तो स्टॉक किया जाता है। कुछ टन कोयला तो ईंट भट्टों में खपाया जाता है, जबकि बाकी बचे सैकड़ों टन कोयले वाहनों के माध्यम से विभिन्न मंडियों तक पहुंचाए जाते हैं। इन अवैध ईंट भट्टों को चलाने के बाद बचने वाले लाखों रुपए की बंदरबांट की जाती है।